सैंपलिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंडर एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज इस टॉपिक पर बेस्ड है। इसके पहले मैंने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किया हुआ है, लेक्चर नंबर 15 एंड लेक्चर नंबर 16। तो ये इस सीरीज में लेक्चर 17 होगा। स्टार्ट करने से पहले चलिए इस फिगर के थ्रू मैं बता दूं कि सैंपल साइज का एलोकेशन कितने टाइप का होता है और ये कैसे एलोकेट किया जाता है। जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इनसाइड मटेरियल में मैंने क्या क्या अरेंज किया हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन टाइप के होते हैं। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटम में इसके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर 4 टाइप के पॉपुलेशन यूनिट है जिसको 4 स्ट्रेटम में डिवाइड किया गया है और चारों स्ट्रेटम मिलकर आपस में ये स्ट्रेटा बनाते हैं जिसको क्लास या सब ग्रुप भी कहा जाता है। अब बात आती है कि जब पॉपुलेशन से हमारा स्ट्रेटा डिफाइन हो गया तो स्ट्रेटा के डिफाइन होने के बाद सैंपल साइज भी डिटरमाइन हो गया और उस सैंपल साइज के डिटरमिनेशन के बाद हमें सैंपल का एलोकेशन किस तरीके से करना है तो ये 4 तरीके से होता है। देयर आर 4 मेथड्स टू एलोकेट सैंपल्स। फर्स्ट होगा इक्वल एलोकेशन, सेकंड होगा प्रोपोर्शनल एलोकेशन, थर्ड होगा नेमैन एलोकेशन और फोर्थ होगा ऑप्टिमम एलोकेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सैंपल साइज स्मॉल n है तो इस स्ट्रेटम से अगर सैंपल सेलेक्ट होगा तो ये स्मॉल n1 होगा, ये स्मॉल n2 होगा, स्मॉल n3 होगा, स्मॉल n4 होगा। अगर और भी सारे स्ट्रेटम होंगे तो n5, n6 अप टू nk होगा, kth स्ट्रेटम तक। तो ith स्ट्रेटम के लिए हम ये मानते हैं कि हर स्ट्रेटम से इक्वल सैंपल साइज सेलेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमेरिकली अगर इस पॉपुलेशन से टोटल 20 सैंपल सेलेक्ट होना है तो 4 स्ट्रेटा में डिवाइड होने के बाद हर स्ट्रेटम में 5 सैंपल यूनिट होता है। तो यहाँ से भी 5 सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ से भी 5 सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 × 4 = 20। तो ये कहलाएगा इक्वल एलोकेशन। इसके बाद प्रोपोर्शनल एलोकेशन, इसमें ये करते हैं कि जो स्ट्रेटम है उस स्ट्रेटम के साइज के अकॉर्डिंग सैंपल का सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो अगर टोटल सैंपल साइज हमारा 20 है तो इक्वल एलोकेशन न करके उसमें जितने साइज हैं उस साइज के अकॉर्डिंग सैंपल का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। मतलब कि जो छोटा सैंपल साइज होगा जिस स्ट्रेटम का वहां से स्मॉल सैंपल सिलेक्ट होगा, जो मीडियम टाइप का होगा वहां से मीडियम सैंपल सिलेक्ट होगा, जो लार्ज होगा वहां से लार्ज सैंपल सिलेक्ट होगा, ताकि हर सैंपल अलग अलग स्ट्रेटम को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि स्ट्रेटम क्या है, सारे स्ट्रेटम विद इन होमोजीनियस हैं और बिटवीन हेट्रोजीनियस हैं। तो यहां से प्रोपोर्शनल एलोकेशन निकल जाता है। लेकिन नेमैन एलोकेशन में क्या हुआ कि नेमैन एलोकेशन में भी हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन के ही तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें हम विद इन वेरिएबिलिटी को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये नेमैन एलोकेशन हो जाता है। और ऑप्टिमम एलोकेशन में क्या होता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन में हम कॉस्ट भी देख लेते हैं कि प्रत्येक स्ट्रेटम से सैंपल साइज का सिलेक्शन अगर होगा तो उसमें कॉस्टिंग कितनी आएगी, तो कॉस्ट को भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो एक सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इक्वल एलोकेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन में उसके साइज के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल ले लेते हैं जो कि एक एक स्ट्रेटम को निकला हुआ सैंपल रिप्रेजेंट करता है। नेमैन एलोकेशन में स्ट्रेटम के भीतर के वेरिएबिलिटी को भी शामिल कर लिया जाता है और ऑप्टिमम एलोकेशन में कॉस्ट भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अगर समझ में आ गया तो आगे के थ्योरम और इस पर बेस्ड जो रिजल्ट है वो आप समझ जाएंगे। तो इनसाइड मटेरियल में मैंने क्या क्या अरेंज किया है चलिए पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम बाकी के सारे थ्योरम्स और उसके मेथोडोलॉजी को समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्ट्रेटिफाइड सैंपल के कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसके बाद मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज, यहाँ से इस पॉइंट को हम समझेंगे और जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल में सैंपल मीन का वेरिएंस होता है इसमें डिफरेंट एलोकेशन के अकॉर्डिंग सैंपल्स को पुट करेंगे तो वेरिएंस अंडर इक्वल एलोकेशन, वेरिएंस अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, वेरिएंस अंडर नेमैन एलोकेशन एंड वेरिएंस अंडर ऑप्टिमम एलोकेशन, ये हमें मालूम चलेगा। और ये सारे जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ
ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो ये रिजल्ट आप देखकर समझ सकते हैं कि इस रिजल्ट को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रूफ किया था, जो लेक्चर नंबर 16 था, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का सैंपल मीन का वेरियंस ये होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन में जो एन आई की वैल्यू होगी यहाँ पर पुट करेंगे तो उस एलोकेशन के अंडर में जो वेरियंस आएगा वो एलोकेशन का वेरियंस कहलाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, इक्वल एलोकेशन के लिए यहाँ पर वेरियंस ऑफ YST बार अंडर इक्वल एलोकेशन हो जाएगा, प्रोपोर्शनल एलोकेशन के लिए वेरियंस ऑफ YST बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन हो जाएगा, नेमैन एलोकेशन के लिए वेरियंस ऑफ YST बार अंडर नेमैन एलोकेशन, और ऑप्टिमम एलोकेशन के लिए वेरियंस ऑफ YST बार अंडर ऑप्टिमम एलोकेशन होगा। और ये चारों मेथड मैंने अभी ऊपर बता दिया है यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को। तो इसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ये चार मेथड होते हैं, बारी बारी से सभी मेथड को समझेंगे और यहाँ पर NI की वैल्यू क्या होगी, जो इसको इस वेरियंस के फॉर्मूले में हम जब रखेंगे तो वेरियंस ऑफ YST बार अंडर इक्वल एलोकेशन, सिमिलरली प्रोपोर्शनल एलोकेशन में ये प्रोपोर्शनल हो जाता है तो वेरियंस ऑफ YST बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका अनबायस्ड एस्टिमेट निकालेंगे और कुछ रिमार्क देखेंगे जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन और फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इस पर बेस्ड होगा। कुछ ड्रॉबैक हैं, जो मैंने इंटरनल वेरिएबिलिटी की बात की वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन में होता है, इसके वजह से नेमैन एलोकेशन यूज करते हैं। और चूंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ तीन मेथड को डिस्कस करेंगे नेमैन एलोकेशन तक। इसके बाद जो चौथा मेथड होता है एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज का, जो ऑप्टिमम एलोकेशन होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम देखेंगे और उस पर बेस्ड वेरियंस को भी प्रूफ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियंस ऑफ YST बार ये सभी में होगा और जो NI की वैल्यू होगी डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन में, उस NI की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वेरियंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल मीन अंडर नेमैन एलोकेशन ये आ जाएगा। और ये सारे रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे वहां भी ये सारे रिजल्ट आएंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इतने मेथोडोलॉजी को देखेंगे, तो इसके चारों कॉन्सेप्ट को मैंने समझा ही दिया है। अब चलिए देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में डिफरेंट टाइप को जो सैंपल साइज के एलोकेशन होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है और आपको कैसे नोट प्रिपेयर करना है। सो इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द एलोकेशन ऑफ द सैंपल टू डिफरेंट स्ट्रेटा इज डन बाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। थ्री फैक्टर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेटम साइज, स्ट्रेटम के साइज को हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्ट्रेटम ये क्या है, यही स्ट्रेटम साइज कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ईच स्ट्रेटम, इसमें कुछ यूनिट दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ यूनिट है, यहाँ पर कुछ यूनिट है और इसमें भी कुछ यूनिट है, और इसी तरह से इसके और भी स्ट्रेटम होंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ यूनिट होंगे, जैसा कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर आप समझ चुके हैं द वेरिएबिलिटी विद इन द स्ट्रेटम, इसके अंडर में भी कुछ वेरिएबिलिटी होगी वो भी कंसिडर किया जाएगा, एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ये तीन टाइप के कंडीशन होंगे किसी भी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, सैंपल को एलोकेट करने में जो प्रॉब्लम आती है उसमें हमें इन तीनों को माइंड में रखना होता है। तो मैंने आपको फिगर के भी थ्रू समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ए गुड एलोकेशन ऑफ सैंपल इज वन व्हेन मैक्सिमम प्रेसिशन और मिनिमम वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड विथ मिनिमम रिसोर्सेज। इस मैक्सिमम प्रेसिशन इसका मतलब ये है कि जितना ही वेरिएशन आपके सैंपल में बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम होगा उसका मतलब होगा कि प्रेसिशन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम है। विच कैन बी ऑब्टेन्ड विथ मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्स का यूज करते हुए या तो मिनिमम वेरिएशन आप कह सकते हैं कि ये ऑब्टेन करना हो या मैक्सिमम प्रेसिशन को गेन करना हो फॉर ए गुड एलोकेशन ऑफ सैंपल। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि द क्राइटेरियन फॉर एलोकेशन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर ए गिवन वेरिएशन और मिनिमाइज द वेरिएशन फॉर ए फिक्स्ड कॉस्ट, दस मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द वेरिएबल रिसोर्सेज। ये ऊपर के ही लाइन को कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, आपको जिस किसी में भी समझ में आता है कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं और आप अपने शब्दों को प्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको यहाँ से लाइन नोट कर लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए। तो आपने यहाँ पर यह समझ लिया कि
तीन फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद हमारा जो मेन काम आता है वो मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 16 में, कि स्ट्रेटिफाइड सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो कुछ ये होता है, वेरिएंस ऑफ YST बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन i गोइंग 1 टू k कैपिटल n i इन ब्रैकेट कैपिटल n i माइनस स्मॉल n i एंड si स्क्वायर डिवाइडेड बाय n i अंडर सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल। ये वेरिएंस होता है YST बार का। अब इस फॉर्मूला में डिफरेंट एलोकेशंस में जो एन आई की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगा। अगर इक्वल एलोकेशन करेंगे तो एन आई की वैल्यू कुछ और होगी, प्रोपोर्शनल एलोकेशन करेंगे तो इस एन आई की वैल्यू कुछ और होगी, नेमैन एलोकेशन करेंगे तो एन आई की वैल्यू कुछ और होगी, और ऑप्टिमम एलोकेशन में भी एन आई की वैल्यू कुछ और होगी। इस एन आई का वैल्यू जो चारों एलोकेशन है उस अलग अलग चारों एलोकेशन में अलग अलग होगा। आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि फॉर्मूला स्टार मीन्स एबव फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन एन आई द नंबर ऑफ यूनिट्स सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द आईथ स्ट्रेटम। यहाँ से ये जो पॉपुलेशन का स्ट्रेटम है N1, N2, NK, यहाँ से जो भी सैंपल सिलेक्ट होकर के आएगा अपने अपने स्ट्रेटम को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से जो टोटल सैंपल होगा ये टोटल पॉपुलेशन को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और इसको पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटम में डिवाइड किया गया है। तो इक्वल एलोकेशन में सभी में से इक्वल साइज निकल के आएंगे, वेयर N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू NK, ये सारे स्ट्रेटम साइज सेम हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, NI इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई K, टोटल K स्ट्रेटम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेंस द प्रॉब्लम अराइजेस व्हाट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ NI I गोइंग 1 टू K कैन बी चूजन आउट ऑफ N सो दैट द वेरियंस इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। यहाँ पर आपको चार मेथड दिए जाते हैं। फॉर अचीविंग दीज पर्पजेस वी कंसिडर फोर टाइप्स ऑफ एलोकेशन, नेमली इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नेमैन्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन। मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इन तीन मेथड को समझेंगे, और ऑप्टिमम एलोकेशन के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। ये ऑप्टिमम एलोकेशन इस सैम्पलिंग थ्योरी में थोड़ा सा एडवांस टाइप का माना जाता है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी ऑप्टिमम एलोकेशन पर वीडियो ट्यूटोरियल होगा। तो आपने ये भी समझ लिया कि टोटल फोर टाइप्स ऑफ एलोकेशंस होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इक्वल एलोकेशन क्या होता है। इन दिस एलोकेशन द टोटल सैंपल साइज एन इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द स्ट्रेटा सो दैट साइज ऑफ ईच स्ट्रेटम इज एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई के। ये स्ट्रेटम का साइज है, और ये कंप्लीट सैंपल जो उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से निकल के आएगा उसको के स्ट्रेटम से डिवाइड कर देंगे, तो एन आई की वैल्यू जो आएगी वो सारे स्ट्रेटम में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो वेरियंस ऑफ वाई एस टी बार अंडर इक्वल एलोकेशन ये क्या हो जाएगा। हमें मालूम है कि वेरियंस ऑफ वाई एस टी बार ये होता है, हमने स्टार में पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है। इस एन आई के जगह पर एन डिवाइडेड बाई के जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये इक्वल एलोकेशन का, चूंकि एन आई की वैल्यू है तो एन आई के जगह पर ये सबमिट करने के बाद 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन एन आई, और ये सारा कुछ सेम टू सेम ऐसे ही होगा, और एक सिंपल सा अल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, और इसको अल्जेब्रिकली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ ये वैल्यू मिल जाएगा जो इक्वेशन नंबर 10.1 में है। वेरियंस ऑफ वाई एस टी बार अंडर इक्वल एलोकेशन ये कुछ वेरियंस ये हो जाएगा। अब इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा वेरियंस ऑफ वाई एस टी बार अंडर इक्वल एलोकेशन का, ये जस्ट कैप हो जाएगा, और ये जो कैपिटल एस है ये स्मॉल एफ से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको वेरियंस ऑफ वाई एस टी बार अगर मिल गया तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर स्मॉल एस से रिप्लेस करने के बाद 10.2 में मिलेगा जो आपका रिजल्ट होगा। तो एग्जाम में आपसे जब भी स्ट्रेटिफाइड सैंपल के सैंपल साइज के एलोकेशन को पूछा जाएगा तो आपका टोटल चार मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें से इक्वल एलोकेशन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, और उसका ऊपर बेस्ड वेरिएंस ये भी डिफाइन किया, और उसका अनबायस एस्टिमेटर भी मैंने बताया। आपसे एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना ही लिखना है, और यही आपके सिलेबस में भी होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन में मैंने पहले ही बताया कि जो स्ट्रेटम का साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग आपको सैंपल सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि स्ट्रेटम में जो वेट होगा
उस वेट को वहां पर इंक्लूड करना है। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या था, इसको ओरिजिनली बावले साहब ने 1926 में प्रपोज किया था। अंडर दिस एलोकेशन द सब सैंपल साइज फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सब पॉपुलेशन इन द स्ट्रेटम, दैट इज स्मॉल एन आई इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई। जो एन वन है इस कैपिटल एन वन के प्रोपोर्शनल होगा, ये एन टू है इस एन टू के प्रोपोर्शनल होगा, सिमिलरली इस ये जो एन के है इस एन के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर जब हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखेंगे, सपोज कोई सा भी हम टर्म रख लेते हैं, यहाँ पर हमने बीटा रखा है, देन बीटा इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एन आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन आई। या यू कहें कि अगर हम इक्वेशन वन को दोनों तरफ सम करें kth टर्म तक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एन आई को kth टर्म तक सम किया गया है और कैपिटल एन आई को भी kth टर्म तक सम किया गया है। तो जैसे ही इस पूरे को सम करेंगे तो ये कैपिटल एन हो जाएगा और इसको पूरे को सम करेंगे तो ये स्मॉल एन हो जाएगा, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से ये टोटल सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा, वही आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ से जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन हो जाएगा। दस इन प्रोपोर्शनल एलोकेशन ईच स्ट्रेटम इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, और इसी साइज को जब हम बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन वन में रखेंगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा, ni is equal to small n divided by capital N into ni। अब यहां से ni divided by n ये करेंगे तो ये हो जाता है w, तो ni की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, nwi। तो रिजल्ट में वेरियंस ऑफ yst बार ये फाइंड करने के लिए आप इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं और इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहां पर इस रिजल्ट को यूज करेंगे। नाउ वेरियंस ऑफ yst बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, हमें मालूम है कि ये वेरियंस ऑफ yst बार अंडर सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल ये होता है। आपको ये वेरियंस हर बार चाहे आप कोई सा भी एलोकेशन निकाल रहे हैं उस एलोकेशन में आपको ये यूज करना ही करना है, और ये वाला टर्म आपने लेक्चर नंबर 16 में सॉल्व किया हुआ है, मैंने इसको कराया हुआ है। तो अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन ni की जो वैल्यू है ये कुछ ये होता है। अब आपको क्या करना है, ni के जगह पर इस टर्म को रख देना है, रखेंगे तो यहाँ पर आप चूंकि ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन के टाइप का है तो वेरियंस ऑफ yst बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये हो जाएगा इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर समेशन, यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो ये ni माइनस ni के जगह पर ये वाला वैल्यू हो जाएगा और ये si स्क्वायर यहाँ होगा और इस ni के जगह पर ये पूरे के बटे में मैंने ले लिया। अब इसको सिंपल सा आप अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे, कुछ आगे प्रोसीजर करेंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ yst बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस f डिवाइडेड बाय स्मॉल n समेशन i गोइंग 1 टू k wi si स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 11.2 हो जाएगा। यहां पर मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो f है f इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n होता है जो कि सैंपलिंग फ्रैक्शन कहलाता है, और ये 1 माइनस f ये टोटल क्या कहलाता है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। तो इसमें कुछ रिमार्क है, इफ f इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल देन वी हैव, अगर ये स्मॉल हो जाए तो दैट इज f इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n और यहां पर समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर बचेगा। तो सैंपलिंग फ्रैक्शन अगर नेग्लिजिबल हो तो उस केस में वेरियंस ऑफ yst बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये कुछ ये हो जाता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 11.3 रखा। और अनबायज एस्टिमेटर ऑफ वेरियंस ऑफ yst बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये हो जाएगा 11.2 का अनबायज एस्टिमेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस f, ये जो s है ये कैपिटल s स्मॉल s से रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका अनबायज एस्टिमेटर ऑफ वेरियंस ऑफ yst बार अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये होगा। और जब नेग्लिजिबली स्मॉल हो उस केस में क्या हो जाएगा, यही वेरियंस है, इस वेरियंस का अनबायज एस्टिमेटर इस s को स्मॉल s से रिप्लेस कर देंगे, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 11.5 में मेंशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके ड्रॉबैक को देखते हैं, मेन ड्रॉबैक ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट जब समझाया फिगर के थ्रू, तो फिगर के थ्रू भी मैंने उसमें बताया कि जब प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता है तो हम स्ट्रेटम के साइज के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में स्ट्रेटम के अंदर की जो वेरिएबिलिटी है वो कंसिडर नहीं हो पाता है, इस वजह से जो सैंपल का साइज है वो
पॉपुलेशन के अलग अलग स्ट्रेटम के साइज से डिफर कर जाता है। सो आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शनल एलोकेशंस डू नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी फैक्टर अदर देन स्ट्रेटा साइज। इस स्ट्रेटा साइज के अलावा कोई दूसरा फैक्टर प्रोपोर्शनल एलोकेशन में एलोकेट नहीं हो पाता है। देन दे कम्प्लीटली इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटा लाइक विद इन स्ट्रेटम वेरिएबिलिटी इट इज, एंड हेंस इट इज डिजायरेबल टू कंसिडर एन एलोकेशन स्कीम विच टेक्स इंटू अकाउंट दिस एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि जब इंटरनल वेरिएबिलिटी ही इसने इग्नोर कर दिया तो हमें एक अलग टाइप के एलोकेशन की जरूरत पड़ती है और वो एलोकेशन नेमैन एलोकेशन कहलाता है, जिसको 1934 में जे नेमैन ने प्रपोज किया था। तो इसके बाद हम नेमैन एलोकेशन ही पढ़ेंगे, थर्ड नंबर है और ये इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो ऑप्टिमम एलोकेशन आता है फोर्थ नंबर पर, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ नेमैन एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। इसके दो एजम्पशन है। पहला ये कि कॉस्ट जो है ये सेम होता है, द सैम्पलिंग कॉस्ट पर यूनिट अमंग डिफरेंट स्ट्रेटा इज सेम एंड द साइज ऑफ द सैंपल इज फिक्स्ड। साइज भी इसका फिक्स होगा और जो कॉस्ट है कॉस्ट सारे स्ट्रेटा के लिए सेम होगा। देन सैंपल साइजेस आर एलोकेटेड बाई कंसिडरिंग द साइज ऑफ स्ट्रेटा एज वेल एज वेरिएबिलिटी। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में आपने ni प्रोपोर्शनल टू ओनली ni लिखा था, लेकिन नेमैन एलोकेशन में इस वेरिएबिलिटी को भी लिया जाता है। तो आपको प्रोपोर्शनल एलोकेशन की ही तरह प्रोसीड करना है, बस यहाँ पर आप जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे ये बीटा स्टार ले लेंगे, दोनों के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को डिफर करने के लिए। तो इसको इक्वेशन नंबर आपने 12 मान लिया, वेयर बीटा स्टार इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिगर में सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा, फिगर मैंने एक बार समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। इसके आगे के मेथोडोलॉजी को जब हम देखते हैं तो जिस तरह से प्रोपोर्शनल एलोकेशन में दोनों साइड के क्वांटिटी को kth टर्म तक सम कर दिया गया था, सिमिलर तरीके से यहाँ भी सम कर दिया जाएगा। तो n इज इक्वल टू बीटा स्टार i गोइंग 1 टू k समेशन ni si हो जाएगा, एंड बीटा स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, n डिवाइडेड बाई दिस टर्म। इसको हमने इक्वेशन नंबर 12.1 मान लिया। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा स्टार इन 12 इस वाले इक्वेशन में, जब बीटा स्टार की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये ni जो ni है एलोकेशन ऑफ सैंपल अंडर नेमैन कंडीशन ये आ जाएगा। अब जैसे ही ये ni की वैल्यू हमें मालूम चलेगी, फिर से जो स्टार में डिफाइन हुआ था वेरिएंस ऑफ yst बार अंडर सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल, उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि वेरिएंस ऑफ yst बार इज इक्वल टू 1/n² ये होता है, और इसको हमने 12 में रखने के बाद जो ni की वैल्यू आया था कुछ ये आएगा, या हम ni की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, वेयर wi इज इक्वल टू कैपिटल ni डिवाइडेड बाय n, इट इज द वेट फॉर द ith स्ट्रेटम, द एलोकेशन अराइजेस व्हेन वेरिएंस ऑफ yst बार इज मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू द प्री स्पेसिफाइड सैंपल साइज n इज इक्वल टू समेशन ni। तो इस टाइप का जो एलोकेशन था इसको 1934 में जे मैन ने दिया था। वेरिएंस ऑफ yst बार में जैसे ही रखेंगे, तो रखने से पहले हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको कुछ स्टेप वाइज इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपको वेरिएंस ऑफ yst बार कुछ ये मिल जाएगा। ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, अलजेब्राइक ट्रीटमेंट जब हम करेंगे और सारी चीजें आपको मालूम है तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस रिजल्ट में आपको करना क्या है कि वेरिएंस ऑफ yst बार इज इक्वल टू एक ये टर्म मिलेगा और एक ये टर्म मिलेगा। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ni है और आपको चूंकि सैंपल साइज का एलोकेशन करना है और आपको मालूम है कि स्मॉल ni की जो वैल्यू है वो सिर्फ इस फर्स्ट टर्म में, वो भी डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही रखेंगे तो समेशन i गोइंग 1 टू k ये हो जाएगा और wi स्क्वायर एंड si स्क्वायर यहाँ पर होगा, और इनटू ni की वैल्यू जब रखेंगे तो ये कुछ न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसके साथ भी कुछ अलजेब्राइक ट्रीटमेंट करेंगे, आपका फाइनली वैल्यू 12.3 इक्वेशन में जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ yst बार अंडर नेमैन एलोकेशन आपका वेरिएंस कुछ ये हो जाएगा। क्लियरली इफ सैम्पलिंग फ्रैक्शन फॉर ith स्ट्रेटम एफ आई इज इक्वल टू स्मॉल ni डिवाइडेड बाई कैपिटल ni इज नेग्लिजिबली स्मॉल, द सेकंड क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन 12.3 विल वैनिश एंड वी गेट ये टर्म आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल ni जितना ही लार्ज होगा तो ith स्ट्रेटम का जो सैंपल होगा
उसके बेसिस पर जो सैंपलिंग फ्रैक्शन है स्मॉल होगा, तो उसकी वजह से जो ये सेकंड टर्म है वैनिश हो जाएगा एंड वी विल गेट ओनली फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, वेरियंस ऑफ YST बार अंडर नेमैन एलोकेशन इज इक्वल टू 1/n, ये वाला टर्म बच जाएगा, ये होगा 12.4। और अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरियंस ऑफ YST बार अंडर नेमैन एलोकेशन इज, इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर कुछ ये हो जाएगा स्मॉल s से रिप्लेस होकर के, और 12.4 का अनबायस्ड एस्टिमेटर रिप्लेस होकर के स्मॉल s हो जाएगा, और आपको ये मिलेगा जब नेग्लिजिबली स्मॉल हो, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 12.6। तो इस वीडियो में मैंने एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज इसके 3 मेथड को समझाया, जिसमें फिगर के थ्रू टोटल चारों मेथड के कॉन्सेप्ट को समझाया, और उसके बाद मैथमेटिकली प्रोसीड करने के लिए वेरियंस ऑफ YST बार अंडर 3 सैंपल एलोकेशंस, दैट इज इक्वल एलोकेशंस, प्रोपोर्शनल एलोकेशन और नेमैन एलोकेशन, इसको यहाँ पर डिस्कस किया और रिलेटेड फॉर्मूला को प्रूफ किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें, और लाइक कमेंट और शेयर करके द स्कॉलर्स ग्रुप को सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज इस टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा और आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस सेशन।